फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि दो अभिनेत्रियों के बीच कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती है और ऐसा ही है सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण के बीच। साल 2007 में ही सोनम और दीपिका दोनों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जहां सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से रणबीर कपूर के साथ अपना डेब्यू किया था, तो वहीं दीपिका ने फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से शाहरुख के साथ डेब्यू किया। जहां ओम शांति ओम सुपरहिट साबित हुई, तो वहीं सांवरिया डिजास्टर बन गई और अपनी अपनी पहली फिल्म से ही दीपिका और सोनम के बीच कैट फाइट शुरू हो गई। फिर इन एक्ट्रेसेस के लड़ाई का कारण रणबीर कपूर बने, क्योंकि फिल्म सांवरिया तक सोनम और रणबीर एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होते ही इनका ब्रेकअप हो गया। फिर फिल्म बचना ऐ हसीनों में काम के दौरान ही रणबीर और दीपिका के अफेयर शुरू हो गए थे, जिसके बाद दीपिका से सोनम की चिढ़ और बढ़ गई थी। और एक बार सोनम कपूर अपने डैड अनिल कपूर के साथ कॉफी विद करण शो पर गई थी। इस शो के दौरान सोनम कपूर ने दीपिका पादुकोण के लिए इतना कुछ कहा था कि साफ जाहिर था कि सोनम दीपिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सोनम ने करण के शो पर बताया कि दीपिका पहले अच्छी लड़की थी, लेकिन अब वो बिगड़ गई है। साथ ही जब करण ने दीपिका के लिए एक फैशन टिप देने को कहा, तो दीपिका की जगह सोनम ने कैटरीना कैफ के फैशन सेंस की तारीफ कर दी और दीपिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने बॉडी टाइप को देखते हुए ही हमें कोई भी कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए कि क्या सूट कर रहा है। दीपिका के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी सोनम ने कहा कि इस तरह के कॉज के लिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सोशल कॉज चुपचाप किए जाते हैं। फिर संजय लीला भंसाली भी एक कारण बने, क्योंकि भंसाली ने ही सोनम को लॉन्च किया था, लेकिन बाद में भंसाली ने रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावती जैसी तीन बड़ी बड़ी फिल्में दीपिका को ही दे दी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया था जब सुनने को मिला कि जिन ब्रांड्स को दीपिका रिजेक्ट करती हैं, वही ब्रांड सोनम को इंडोर्स करने के लिए मिलते हैं, और ये खबर सोनम के गुस्से का मुख्य कारण था, जिसके बाद सोनम ने अपनी पीआर एजेंसी ही बदल डाली। और एक अवार्ड शो के दौरान भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरेआम सोनम कपूर के साथ धोखा किया गया, जहां सोनम की जगह दीपिका को लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा को अवार्ड देने का मौका मिला। इस तरह से सोनम और दीपिका के बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, लेकिन अब शायद इन दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती की शुरुआत हो गई है। बबली कॉन्फिडेंट टैलेंटेड एंड फैशनिस्ता एक्ट्रेस सोनम कपूर आहूजा ये अच्छे से जानती हैं कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। भले ही सोनम की ज्यादा फिल्में नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपने दूसरे इनोवेटिव वर्क और पब्लिक अपीयरेंस से नीरजा एक्ट्रेस सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछली बार उन्हें फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में देखा गया था। वहीं प्रोडक्ट और मैगजीन के फोटोशूट के लिए भी सोनम कपूर आहूजा अपने आप को बिजी रखती हैं। और अब एक साल बाद सोनम ने फिल्म फेयर मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया है, जिसके कवर पेज पर वो स्टनिंग दीवा लग रही हैं। अपनी चिक स्टाइलिंग के लिए जानी जाने वाली सोनम फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर कंप्लीट शाइनिंग ब्लैक अटायर में दिख रही हैं। फिल्म फेयर के जुलाई 2019 एडिशन के लिए सोनम कपूर ने वैरायटी ऑफ रेसी स्टाइल को रिवील किया है, जहां उन्होंने अपने फैशन को डाउन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। न्यूड मेकअप, बोल्ड ब्लैक आईज और सिल्की ओपन हेयर में सोनम का लुक मैजिकल लग रहा है। वहीं फिल्म फेयर ने सोनम के इस फैशन शूट का वीडियो भी अपलोड किया है, जहां इस शूट के बिहाइंड सीन को दिखाया गया है। इस वीडियो में सांवरिया एक्ट्रेस अपने काम को एंजॉय करती दिख रही हैं, जहां वो अपने डिफरेंट आउटफिट को कॉन्फिडेंटली संभालती नजर आ रही हैं। वहीं इस वीडियो में सोनम फिल्म फेयर मैगजीन के फोटोशूट से जुड़े अपने अनुभव को भी बताती दिखी।